टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? ये सुनी आपने कभी टर्मिनल वेलोसिटी? नहीं सुनी? सुनी कहाँ? सुनी आप मूवी में सुनी, ठीक है। तो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का बेसिक मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपको क्या कांस्टेंट है? फिर इसका नाम कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं देते? स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमें ऑलरेडी पता है कि तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। टर्मिनल खास मतलब है, बताता हूँ क्या मतलब है। पहले मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको टर्मिनल के, कहाँ लगती है टर्मिनल और किन सिचुएशन में लगती है। आपने एक लोहे का स्फेयर लिया, लोहे के स्फेयर को आपने सी के अंदर आपने क्या किया? छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया। अब क्या होगा? वो नीचे 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 जाएगा। जैसे वो नीचे जाएगा, पानी उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगा। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV है। वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाएगी। स्पीड थोड़ी स्लो होती जाएगी स्फेयर की, और थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्फेयर नीचे जाता जाएगा। शुरू में एक्सलरेट कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इट विल अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। समुंदर कई किलोमीटर गहरा है और वो कई किलोमीटर तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट के साथ ही नीचे जाती जाएगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को जो उसने एक्वायर किया, इसको टर्मिनल बोलते हैं। जो शुरू में बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं थी, एक्सेलरेटेड मोशन था, थोड़ी देर में कांस्टेंट हो गई, वो क्यों ही उसका आंसर देता हूं मैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। फिर दूसरा एग्जांपल सुनो, जो हो सकता है आपने सुना भी हो कभी। आप स्काई डाइविंग करो, स्काई डाइविंग में आपको उठा के फेंक देंगे, फ्री फॉल। शुरू में आप U=0 से गिरते हैं और बहुत तेज वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। बहुत टाइम के बाद आप देखते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्काई डाइवर नीचे उतर जाते हैं। अब वो एक्सेलरेट नहीं करते, कुछ देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हवा की भी विस्कोसिटी होती है। हवा भी, एयर भी क्या लगाती है? विस्कस ड्रैग लगाती है, विस्कस फोर्स लगाती है। एयर की फ्रिक्शनल फोर्स भी लगती है, तो जो कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करने में हेल्प करती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि स्काई डाइवर गिरता है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है और कुछ ऐसी फोर्सेस लगती हैं जो नेट फोर्स जीरो कर दे और वेलोसिटी को कांस्टेंट ले आए, उस वेलोसिटी को टर्मिनल बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इस चैप्टर में ही नाम टर्मिनल हो, टर्मिनल वेलोसिटी कहीं भी आ जाती है। आप मे बी आप चार्ज का क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस टू के अंदर, एक चार्ज गिरा, पहले एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेट फोर्स हवा में जीरो हो गई और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहे हैं, तो लिखा होगा फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी जो शुरू में एक्सेलरेट करती है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्सेज एक्ट करती हैं और फ्रिक्शनल फोर्सेज उसको कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करवा देती हैं, उसको टर्मिनल बोलते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कैसे कर सकता है? लोहे का स्फीयर तो एक्सेलरेट ही करेगा। इसको समझने के लिए आप एक काम करें, इसकी डेरिवेशन ना इनकम्प्लीट है, यहीं पे लिखें जो मैं लिखवा रहा हूं, इनकम्प्लीट है, यहां पे ऐसे लिखें जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ये एक स्फेयर बनाएं, इस स्फेयर का वेट कितना है? W। इसके ऊपर क्या लगेगा? अप थ्रस्ट। और क्या लगेगी? विस्कस फोर्स। इसका रेडियस R है, विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा RV। ये लो, ये लिक्विड के अंदर एक स्फेयर को आपने गेर दिया, एक लिक्विड के अंदर स्फेयर को गेर दिया, तो ये आपने डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आप इमेजिन करें, आप समझ, सिर्फ समझने के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना यहीं तक है, ये लिखना नहीं जो मैं समझा रहा हूं। अगर एक स्फेयर का वेट 10 न्यूटन है, देखो वेट तो चेंज होगा नहीं, mg तो mg है, और मान लो लिक्विड की वजह से अप थ्रस्ट 2 न्यूटन है, देखो ये भी चेंज होगा नहीं, अप थ्रस्ट भी V×ρ×g होता है। तो जब ये स्फेयर को यहां से ड्रॉप किया गया, तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा R, 6 पाई ईटा RV में वेलोसिटी जीरो है, तो विस्कस फोर्स भी क्या है? शुरू में जीरो है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर। तो नेट फोर्स कितनी है? 10 में से 2 गया 8, तो ये क्या करेगा? नीचे एक्सलरेट, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो इट विल एक्सलरेट। एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का बढ़ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसी वेलोसिटी बढ़ी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, अगले इंस्टेंट पर 1 न्यूटन हो गई। अब नेट फोर्स कम हो गई, पहले कितनी थी? 10 में से 2 गया 8, अब कितनी होगी? 10 में से 3 गए 7, क्योंकि वो भी काउंट हो गया। फिर क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, अगले इंस्टेंट पर वेलोसिटी बढ़ी तो एफ बढ़ा, 2 न्यूटन हो गया। अब नेट फोर्स कितनी होगी? 10 में से 2 + 2 = 4 गया, तो 6 हो गई। ऐसे करते 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 एक सिचुएशन आ गई जब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी हो गई? 8 न्यूटन, क्योंकि
क्योंकि उससे पहले तो ये स्फीयर एक्सेलरेट करता ही जाएगा, तो 8 न्यूटन पे अपवर्ड फोर्स कितनी होगी 10, और डाउनवर्ड फोर्स भी कितनी होगी 10। अब नेट फोर्स क्या होगी स्फीयर पे 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई 0। अब ये मत कहना कि स्फीयर समुंदर के आगे रुक जाएगा, लोहे का डूबेगा लेकिन विद कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कोई कहता है उसके बाद भी तो कुछ हो सकता है, कैसे होएगा क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, एफ अब चेंज ही होनी बंद हो गई क्योंकि वी कॉन्स्टेंट हो गया, तो अब ये हमेशा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी क्यों एक्वायर करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कुछ देर के बाद कि वो डाउनवर्ड फोर्स को भी बैलेंस कर जाएगी, तो इट विल एक्वायर अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो आपने अब इसको ऐसे डराइव करना है, लिखो इसमें, इसमें ऐसे लिखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी पे एफ प्लस यू इज इक्वल टू क्या होगा वेट डब्ल्यू, ऊपर की फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड की फोर्सेज, ये लिख लें बुकलेट सा, ये डेरिवेशन है इसकी, उसमें मिसिंग है। एफ का मतलब क्या है 6 पाई ईटा आर वी, अपथ्रस्ट का मतलब क्या है अपथ्रस्ट है वॉल्यूम, अपथ्रस्ट में डेंसिटी, हाँ इसमें ये भी लिख लें बॉडी की डेंसिटी रो है और लिक्विड की सिग्मा, लिख दें रो का मतलब यहां लिखें स्पेशली डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड सिग्मा का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी यूज करते हैं बॉडी की कि लिक्विड की, लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी, और वेट में 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, वेट ऑफ बॉडी है तो डेंसिटी भी किसकी है बॉडी की है। तो यहां से जो वेलोसिटी आएगी उसके पैर में वी टी डाल लेना, वी नहीं वी टी, वी टी का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, 6 पाई ईटा आर वी टी इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा, पाई से पाई कट गया, आर से आर भी कट जाएगा, 6 और 4 भी कट जाएगा, वी टी का फॉर्मूला आएगा 2 बाई 9 आर का स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। इसे याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर ये याद करना है कि इसके अंदर रो का मतलब किसकी डेंसिटी है बॉडी की डेंसिटी है, और सिग्मा का मतलब किसकी डेंसिटी है मीडियम की, यहां पर बाहर मीडियम क्या है लिक्विड की डेंसिटी है। मैं मीडियम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है रेन ड्रॉप गिर रहा है, हवा में रेन ड्रॉप गिर गया, तो रेन ड्रॉप किस में गिर रहा है हवा में गिर रहा है, तो रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रो का मतलब रेन ड्रॉप की वेलोसिटी और सिग्मा का मतलब एयर की वेलोसिटी। अब मैं करके दिखाऊंगा इसे,